Hello, students. Welcome back in your English class. Our chapter 7 verbs, helping verbs is going on, and uh, I already explained you that uh, there are two types of verbs primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. And primary auxiliary verbs are the forms of be, have, and do and we will discuss about these verbs in our chapter 10 and uh, in modal auxiliary verbs i have explained you about can could may might will shall should would and must today we will discuss about ought to need need not dare dare not and must not

दिस इज़ आर मॉरल ड्यूटी कि हमें अपने एल्डर्स का ओबे करना चाहिए उनका कहना मानना चाहिए उनकी आज्ञा माननी चाहिए फॉर दिस वी यूज ऑट टू हमें अपने बड़ों का की आज्ञा का पालन करना चाहिए या कहना मानना चाहिए यू ऑट टू कंप्लीट योर वर्क इन गीवन टाइम दिस इज़ ऑल्सो आवर मॉरल ड्यूटी दैट यू हाव टू कम्प्लीट योर वर्क इन गीवन टाइम की जो गीवन टाइम है आपको उसी में अपना होमवर्क कम्प्लीट करना चाहिए देन सेकेंड यूज ऑफ ओट टू ओ टू इज़ यूज फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य और रिकमेंडेशन इट मीन्स सिफ़ारिश के लिए जहाँ सिफ़ारिश की जाती है वहाँ भी हम ओ टू यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल यू ओट टू वर्क सिंसियरली हेयर इज़ मॉरल ऑब्लिगेशन ये नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपना वर्क सिंसियरली करना चाहिए यू ऑट टू स्पीक केयरफुली टू हर मदर कि जब आप उसकी सिफारिश करने जा रहे हैं तो आपको उसकी मदर के साथ में बहुत ही केयरफुली टॉक करनी है बहुत ही सावधानी के साथ में ध्यान से नेक्स्ट ऑट टू इज यूज फॉर लॉजिकल डिडक्शन इट मीन्स तार्किक कटौती जहाँ पर एक से ज़्यादा तर्क दिए जाते, जाते हैं एक से ज़्यादा फैक्ट्स दिए जाते हैं फॉर दैट वी यूज़ ऑट टू द चेयरमैन लेफ्ट फॉर द फंक्शन चेयरमैन फंक्शन के लिए निकल चुके हैं ही ऑट टू भीयर एनी मोमेंट वो किसी भी समय पर यहाँ आ सकते हैं उन्हें किसी भी मोमेंट पर वो यहाँ हो सकते हैं होना चाहिए किसी भी मोमेंट वो यहाँ पहुँच सकते हैं नेक्स्ट नीड नीड इज यूज फॉर ऑप्लीगेशन इन क्वेश्चन नीड का मीनिंग होता है आवश्यकता या ज़रूरत नीड जो है वो ऑब्लिगेशन में यूज़ किया जाता है बट इन क्वेश्चन जहां पर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वहां जो कर्तव्य दिखाए जाएंगे फॉर दैट वी यूज़ नीड नीड आई बी वर्ड अबाउट दिस क्या मुझे इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत है या होना चाहिए नीड आई हैव टू हेल्प हर क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए देन वट इज़ द यूज ऑफ नीड नॉट नीड नॉट शोज एबसेंस ऑफ ऑब्लीगेशन इट मीन्स ये जो नीड नॉट है ये कर्तव्य की एबसेंस अनुपस्थिति दिखाता है मीन्स वहाँ पर कर्तव्य नहीं होता है दे नीड नॉट वॉन्ट योर हेल्प इट मीन्स वहाँ आप उन्हें आपकी मदद की जरूरत मदद नहीं चाहिए यू नीड नॉट हैव टू डू दिस वर्क एनी मोर तुम्हें इस काम को और अधिक समय तक कर नहीं करना चाहिए इट मीन्स नो नीड टू डू दिस वर्क एनी मोर नेक्स्ट मॉडल इज डेयर डेयर का मीनिंग होता है हिम्मत डेयर शोज नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग डेयर किसे शो करता है कि हम किसी काम को करने से नहीं डरते हैं इट इज़ यूज मोस्टली इन क्वेश्चनस एंड नेगेटिव सेंटेंस जो डेयर का यूज़ किया जाता है मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल डेयर नॉट ट्राई टू आर्ग्यू विद मी कि मुझसे आर्ग्यू करने की मुझसे बहस करने की हिम्मत मत करना

नेक्स्ट यूज ऑफ डेयर डेयर कैन बी यूज विद बॉथ एज अर्मल वर्ब जो डेयर है वो नॉर्मल वर्ब की तरह जैसे वह हम प्ले को स्विम को रीड को राइट को यूज करते हैं लाइक दैट वी कैन यूज डेयर ऑल्सो डेयर इज यूज विद डू डज एंड डेड डेयर का यूज डू डेड एंड डज के साथ भी किया जा सकता है लेट सी सम एग्जाम्पल आई डेयर टू फेस द प्रॉब्लम मेरे अंदर इस मुसीबत का सामना करने की हिम्मत है आई कैन फेस दिस प्रॉब्लम डू यू डेयर टू फेस द प्रॉब्लम क्या तुम्हारे अंदर तुम इस प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत रखते हो डेयर नॉट इट इज डेयर नॉट शोज अफ्रेड ऑफ डूइंग डेयर नॉट क्या शो करेगा अफ्रेड ऑफ डूइंग की डर लगता है डेयर मीनिंग डर नहीं लगता है किसी काम को करने में हिम्मत है आपको उसे करने की बट डेयर नॉट शोज अफ्रेड ऑफ डूइंग ये हमें शो करता है कि हमें डर लग रहा है नीना डेयर नॉट टॉक टू हर फादर अबाउट दिस मैटर नीना में हिम्मत नहीं है इस मैटर के बारे में अपने फादर से बात करने की अमित डेयर नॉट स्लिप इन द रूम अलॉन अमित की हिम्मत नहीं है अकेले रूम में सोने की मीन्स उसे डर लगता है ऐसा करने में सो फोर शो अफ्रेड ऑफ वी यूज डेयर नॉट मस्ट नॉट मस्ट नॉट शोज स्ट्रोंग प्रोहेबिश प्रोहैबिशन प्रोहैबिशन का मीनिंग होता है निषेध या प्रतिबंध जिस चीज़ पर रोक लगी हुई है स्ट्रांगली रोक लगी हुई है निषेध है उस काम को करना फॉर दैट वी यूज मस्ट नॉट फॉर एग्जाम्पल

एक पर्सन को डेली एट ग्लास पानी पीना चाहिए हाइड्रेट बने रहने के लिए पुट हीयर शुड नियरली एवरी फूड आइटम कंज्यूम्ड प्रोवाइड्स सम अमाउंट ऑफ वाटर जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनमें सभी में लगभग थोड़ा बहुत पानी होता है किसी में ज़्यादा किसी में कम इन रिसेंट ईयर्स प्योर ड्रिंकिंग वाटर हैज़ बिकम स्क्रैच फॉर ऑल अक्रॉस द ग्लोब कि इन जो प्रेजेंट में कुछ साल हैं इनके अंदर जो साफ पानी है पीने का वो पूरे ग्लोब पर ही उसकी कमी हो गई है दिस मे और कैन हेयर वी कैन पुट मे एंड कैन बोथ सीरियसली ऑब्स्टेक्ट डेवलपमेंट ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है वॉट शुड बी डन टू एड्रेस दिस इशू कि इस इशू के बारे में क्या किया जाना चाहिए सुपुट हेयर शुड नाउ मैच द कॉलम टू आइडेंटिफाई द मीनिंग दैट द सेंटेंस एक्सप्रेस हेयर आर सम सेंटेंस दे आर एक्सप्रेसिंग सम मीनिंग ये कुछ मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं वी हैव टू टेल मे आई लीव द क्लासरूम व्हेन वेन द बेल रिंग्स हेयर वी कैन अंडरस्टैंड

सो हेयर इज़ पॉसिबिलिटी नॉट श्योर ही हैज़ फीवर ही नीड्स टू सी अ डॉक्टर हेयर इज़ नेसेसिटी ज़रूरी है बुखार तो है तो डॉक्टर को दिखाए यू ऑट टू पुट इन मोर आवर्स ऑफ स्टडी यहाँ एडवाइज़ है कि तुम्हें अपनी स्टडी के लिए और कुछ घंटे देने चाहिए इट मीन्स यू हैव टू स्टडी फॉर मोर आवर्स

मे यू रियलाइज योर एम्बिशन की भगवान तुम्हारी जितनी भी इच्छाएँ हैं वो पूरी करे हेयर इज अ विश कार्स मस्ट नॉट बी पार्कड इन फ्रंट ऑफ द गेट हेयर इज अ प्रो हैबिशन इट मीन्स गेट के सामने कार को पार्क नहीं करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज ई वर्ट डू द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंग यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं उनका मीनिंग क्या है मे आई लीव द क्लासरूम हेयर वीकेंसी दैट हेयर इज द परमिशन लेट सी सिकिंग परमिशन गिविंग परमिशन परमिशन दी जा रही है मेकिंग अ रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट की जा रही है मेकिंग अ सजेशन या कोई सजेशन दिया जा रहा है हेयर वीकेंसी सिकिंग परमिशन परमिशन ली जा रही है वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर कि क्या डोर बंद कर दोगे मेकिंग an ऑफर क्या एक ऑफर दिया जा रहा है मेकिंग अ सजेशन कोई सजेशन दिया जा रहा है मेकिंग अ रिक्वेस्ट कोई रिक्वेस्ट की जा रही है गिविंग परमिशन या परमिशन दी जा रही है एज वी कैन सी मेकिंग अ रिक्वेस्ट शेल आई गिव यू अ कप ऑफ कॉफ़ी क्या मैं तुम्हारे लिए कप एक कप कॉफी तैयार कर दूँ एक कप कॉफ़ी बना दूँ एंड एज आई told यू जो ऑफर करते हैं हम किसी को फॉर that वी यूज शेल मेकिंग एन ऑफ़र फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एक ऑप्शन ऑफर दिया जा रहा है रमन मे नॉट अटेंड द फंक्शन रमन फंक्शन रमन शायद फंक्शन अटेंड नहीं करेगा इट मीन्स एक्सप्रेसिंग विश क्या कोई विश एक्सप्रेस की जा रही है एक्सप्रेसिंग इनाबिलिटी की उसकी अयोग्यता दिखाई जा रही है एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी we can see and we can see that here is showing the possibility so option c is correct i hope you have understand you have to mention these exercise in your book on page number 38 and remain notes you have to write in your notebook related to models thank you and have a nice day